युद्ध कैसा भी हो, विजय हमारी ही होगी। जो भी मेरे मार्ग में आएगा उसका विनाश करूंगा मैं और बनूंगा संपूर्ण ब्रह्मांड का सम्राट। जब अहंकारी त्रिखुर अपनी राजसभा में घोषणा कर रहा था, तभी वहां उसकी पत्नी ने आकर उसके विवेक को जागृत करने का प्रयास किया, किंतु अहंकार के मद में तो किसी की भी बुद्धि का विनाश हो जाता है। फिर त्रिखुर तो एक असुर ही था। महारानी चुपता बस। अब केवल दो ही बातें संभव है, एक आप मेरे साथ, दो आप मेरे विरुद्ध हैं। कहिए क्या चुनेंगे आप? ब्रह्मांड विजय की अपनी अनुचित महत्वाकांक्षा में और चाटुकारों की चाटुकारिता में वो इतना डूब चुका था कि उसकी पत्नी द्वारा उसको सुपथ पर लाने का प्रयास विफल ही नहीं हुआ, उससे वो अहंकारी त्रिखुर और उत्तेजित हो उठा। बस बहुत हुआ, जो भी है जैसी भी है मेरे प्रति निष्ठावान है, जबकि मेरी अपनी पत्नी उन त्रिदेव के प्रति निष्ठा रखती है। और रही बात उन त्रिदेवों की, तो तुम देखती जाओ, ऐसा भवंडर उत्पन्न करूंगा कि उन त्रिदेवों को भी मुझे अपना प्रभु मानने के लिए विवश होना पड़ेगा। जो भी मेरे मार्ग में आएगा उसे नष्ट कर दूंगा मैं। जिस उद्देश्य प्राप्ति के लिए तप किया था मैंने, उसे पाकर रहूंगा मैं। प्रभु, आपके यहां आने का क्या प्रयोजन है? नतमस्तक होंगे ये त्रिदेव मेरे सामने, उसी का उपाय करने आया हूं यहां। प्रभु की शक्ति, ऐसा प्रचंड वायु वेग, ऐसा भयंकर बवंडर, आश्चर्य। प्रभु, मैं कुछ समझी नहीं। इस बवंडर के प्रभाव से त्रिदेव आपके समक्ष झुकने पर क्यों विवश हो जाएंगे? सब स्पष्ट हो जाएगा दुर्मुखा, तुम बस देखती जाओ। दुष्ट असुर अपने वरदान को शस्त्र बनाकर अपने समक्ष त्रिदेवों को विवश करना चाहता था। अवश्य दुस्साहस का उचित दंड भी प्राप्त हुआ ही होगा उस दुष्ट को। ब्रह्मदेव के वरदान की शक्ति से
त्रिखूर द्वारा उत्पन्न वो बवंडर कोई साधारण बवंडर नहीं था। कुछ ही समय में वो अपने समीप सब कुछ निगल गया। विशाल पर्वतों के बाद उसका लक्ष्य अब उल्का पिंड बने। किंतु उस बवंडर की शक्ति अब कम होने के स्थान पर बढ़ती ही जा रही थी। और एक समय ऐसा आया जब वो अपनी ओर ग्रह को भी खींचने लगा। यहां तक कि स्वर्गलोक भी उसके प्रभाव से अछूता नहीं रहा। ये कैसी तीक्ष्ण कर्ण भेदी और भयानक ध्वनि थी। ये क्या हो रहा है? मेरा संतुलन क्यों बिगड़ रहा है? ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा प्रतीत क्यों हो रहा है कि कोई प्रचंड शक्ति मुझे पीछे की ओर खींच रही है? ये प्रचंड वायु प्रवाह का बवंडर कैसा है? मेरा दिव्य रथ कंपित कर दिया इस बवंडर ने। अश्वराज, संभालिए अपने आप को, संतुलन बनाए रखिए। मेरे अश्व व्याकुल हो रहे हैं, मेरे अश्व पीछे खींचे जा रहे हैं, किंतु मुझे इन्हें संभालना होगा, इन्हें पीछे जाने से रोकना होगा। संभालिए अपने आप को अश्वराज, संभालिए अपने आप को। आगे बढ़िए। पृथ्वी से निम्न सभी सप्तलोक इस बवंडर के कारण संकट में है। इसके प्रभाव से सभी कंपित हो रहे हैं। अब तो ये बवंडर सभी लोगों को लील रहा है। ये कैसे संभव है? रसातली है इस बवंडर का स्रोत, किंतु क्या आपने इसे उत्पन्न किसने किया? क्यों किया? इसे शीघ्र रोकना होगा हमें, अन्यथा इस प्रकार तो ये बवंडर पृथ्वी और स्वर्ग लोक के साथ सभी लोगों और ग्रहों को लील जाएगा। मुझे अभी इंद्रदेव और अन्य देवताओं को सूचित कर इसे थामने का उपाय ढूंढना चाहिए। आगे बढ़िए अश्वराज, आगे बढ़ते रहिए। कैसी भयंकर ध्वनि है,
जैसे वायु का तीव्र प्रभाव। अब ये भूकंप कैसा, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? ये कैसा संकट जिसके कारण स्वर्ग लोक असंतुलित हो उठा। इंद्रदेव, सूर्यदेव, अवश्य सूर्यदेव के पास कोई समाचार होगा। उचित है इंद्रदेव, रसातल लोक में अवश्य कोई अनिष्टकारी शक्ति उत्पन्न हो रही है। आपसे पूर्व मैंने भी उसका अनुभव किया है। प्रातः जब मैं अपने लोक से निकल रहा था तो अब ये कैसी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। इंद्र को भली भांति ज्ञात हो गया कि स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही थी। कुछ ही समय में वो अदृश्य अनिष्टकारी शक्ति पृथ्वी, ग्रहों, सूर्य, चंद्र और स्वर्गलोक को भी निगलने वाली थी। तो इंद्रदेव ने अविलंब सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव जी के समक्ष प्रस्तुत होकर उनसे ही सहायता की गुहार लगाई। ब्रह्मदेव, हम उस बवंडर के स्रोत को ढूंढने रसातल भी जा सकते थे, किंतु उसका अनिष्टकारी प्रभाव इतनी शीघ्रता से बढ़ रहा था कि समय व्यर्थ किए बिना आपके समक्ष आना ही मैंने उचित समझा। दो वरदान चाहिए मुझे आपसे। एक, ब्रह्मांडीय बवंडर उत्पन्न करने की शक्ति, और दो, इस संसार की कोई भी विद्या, कोई भी शक्ति मुझे एक क्षति न पहुंचा सके। त्रिखोर, त्रिखोर। त्रिखुर, कौन है ये त्रिखुर ब्रह्मदेव? देवराज, असुर त्रिखुर मेरा परम भक्त है। उसने मुझे अपने कठोर तप से प्रसन्न कर ब्रह्मांडीय बवंडर उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त की है। ब्रह्मदेव, आपके दिए वरदान से वो दुष्ट असुर ऐसा बवंडर उत्पन्न कर रहा है कि जिसे रोका ना गया तो समस्त सृष्टि नष्ट हो जाएगी। देवराज, मैं स्वयं उसे समझाऊंगा कि वो सर्वथा अनुचित कर रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है वो मेरे आदेश का सम्मान अवश्य करेगा। ब्रह्मदेव, यदि अनुमति हो तो हम सब भी आपके साथ चले। नहीं देवराज, यदि आप सब लोग मेरे साथ जाएंगे तो हो सकता है कि वो इसे अपने विरुद्ध एक चुनौती समझकर उत्तेजित हो जाए। आप चिंता ना करें, मेरा परम भक्त है वो, मेरे आदेश को कदापि नहीं ठुकराएगा। अवश्य रोकेगा इस बवंडर को वो, और समस्त लोगों एवं ग्रहों को इस संकट से मुक्त करेगा। प्रणाम ब्रह्मदेव। इतना भयंकर दृश्य उत्पन्न किया है मैंने, अब सभी मेरी अपार शक्ति से परिचित होंगे। त्रिखुर, त्रिखुर, त्रिखुर। ब्रह्मदेव यहाँ? त्रिखुर, ये क्या सर्वनाश करने पर तुले हो तुम? अभी रोको इसे। ओ ब्रह्मदेव, आप अतिशीघ्र प्रकट हो गए। आप इस बार समय नहीं लगा आपको आने में, और वो अन्य दो देव दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक नारायण और दो महादेव।
जाइए ब्रह्मदेव, उन दोनों को भी बुला लीजिए। एक अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा करनी है मुझे आपके समक्ष। त्रिखुर, मैंने तुम्हें वरदान इसलिए दिया था कि तुम कुछ हित कर सको, किंतु भूल की मैंने। ये भूल कर कि अंततः तुम हो तो एक असुर ही। ब्रह्मदेव, दो बातें हैं। एक, ये वरदान मैंने अपने घोर तप से प्राप्त किया है, आपने कोई भिक्षा नहीं दी है मुझे। और दो, इसके बाद मैं जो भी प्राप्त करूंगा वो तप से नहीं, वो भक्ति से नहीं, वो शक्ति से लूंगा। तप से नहीं, छीन कर लूंगा। पुनः दो बातें हैं ब्रह्मदेव। एक, कि आप त्रिदेव मेरी अधीनता स्वीकार करें और त्रिदेवों पर विजय पाते ही स्वर्ग सहित समस्त लोग स्वतः मेरे अधीन हो जाएंगे और मैं त्रिदेवों से भी उच्च पद पर स्थित हो जाऊंगा। और दो, यदि आप त्रिदेव ऐसा नहीं करेंगे तो मैं अपने ब्रह्मांडीय बवंडर से संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर दूंगा। तो आप त्रिदेव भी कहां शेष रहेंगे ब्रह्मदेव? ब्रह्मांड के साथ नष्ट हो जाएंगे आप सभी। त्रिखोर, जो तुम चाहते हो असंभव है। वो ऐसा कभी भी नहीं होगा। अभी भी समय है, संभल जाओ। एक उत्तम असुर राजा बनने के सभी गुण हैं तुम में, परंतु अन्य का अहित करना छोड़ दो, उससे तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। देखिए ना स्वामी, संकट में आए तो कितनी शीघ्र आकर कैसे उपदेश दे रहे हैं ब्रह्मदेव आपको। जब आप कठिन तपस्या कर कितने कष्ट सह रहे थे, तब कितना अधिक समय लगाया था इन्होंने प्रकट होने में, जिसके साक्षी तो हम भी हैं ना प्रभु। मुझे लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे ब्रह्मदेव, कदाचित मुझे आपको भी पाठ सिखाना ही होगा। उचित है, उचित है ब्रह्मदेव, तो मैं आपको भी इस बवंडर के भीतर खींच लेता हूं, फिर अनंत काल के लिए आप भी इसी बवंडर में बंदी बने रह जाएंगे। ये दुष्ट मेरा सुझाव स्वीकार करने के स्थान पर मुझसे उदंडता कर रहा है। ये बाण का वार करने का दुस्साहस किसने किया? आकाश मार्ग से ये कौन आ रहा है यहां? देखू तो। नारायण, तो आप भी यहां आ ही गए नारायण, उचित है। आपका यहां आगमन भी उचित ही है। अब केवल उस महादेव की प्रतीक्षा है, वो एक बार आ जाए, उसके पश्चात आप तीनों एक साथ नमन करना मुझे, तत्पश्चात आपके सभी अपराध क्षमा कर दूंगा मैं। मूर्ख असुर,
जिन ब्रह्मदेव ने तुझे वरदान दिया, जिनके बल पर तू सृष्टि पर विजय पाने चला था, उन्हीं पर प्रहार कर दिया। दो बातें हैं नारायण। एक, मैं असुर राज त्रिखुर हूं। तो छल, कपट और पीठ पर वार करना तो मेरा स्वभाव है। और दो, मुझे मूर्ख बुलाने का दुस्साहस कैसे किया आपने? आप दोनों को कष्ट तो नहीं पहुंचाऊंगा मैं, किंतु आपके किए प्रत्येक अपमान के परिणाम स्वरूप आपकी सृष्टि को अवश्य कष्ट दूंगा मैं। तो क्या पिताश्री वहां आए मामा जी और फूफा जी को बचाने के लिए? बल का अंधकार व्यक्ति का विवेक हर लेता है, जो उसके ही पतन का कारण बन सकता है।